subscribe to our channel and press the bell icon for all notifications. Again, which is fantastic, and this vehicle is insane. And I think, you know, Sam, Subodh, all of them have done a phenomenal job with the event. It's one of the first off-roading events, and the kind of response that we've got is insane. I've got so many people calling me up from all over, whether it's the department, whether it's whether they're other friends who want to come here and be a part of it. I think a fantastic experience. स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहोगे यहाँ के लोग नॉट वेरी मच अवेयर डू यू कॉल इट्स इन वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट क्या आई वुड से इट्स अ स्पोर्ट And being involved in any sport is very, very important. Even if you see my Mission Fit India that is going on, for me, it's all about sport. It's all about well-being. You know, आजकल बच्चों को instant gratification इतना हो गया mobile के चक्कर में, खाना भी instant चाहिए. इससे हम बाहर जाते हैं, हम लोगों के साथ interact करना सीखते हैं, rather than be socially awkward in our behavior. So I think kudos to you know, the entire team who's done this, Polaris who's supported. And you know, encouraging this sport. I think Sanjay Dutt, Salman Khan, उनमें से हैं जिनको outdoors बहुत पसंद है. और सलमान ATV के लिए I think हर जगह वैसे भी कर्जत वर्जत में घूमते रहते हैं, तो काफ़ी लोग हैं. अजय है, I think एक्शन हीरोज जो हैं उनको इसका मज़ा बहुत आएगा. अन्ना, यू एक टाइम था जब आप लोग भी बाइक लेके निकलते थे ना, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम था, पर तो अगर लगता है कि तो आप, आपका मतलब है टाइम खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं होगा, मतलब कम हो गया. मैं आप लोग थोड़ा एक्टिविटी शायद कम हो गई. एक्टिविटी कम होगी क्योंकि मोबाइल फोन्स इतने आ गए
कहीं चलाओगे तो कोई शूट करके बोल देगा कि इरिस्पॉन्सिबल है। कोई ये नहीं देखता कि हम भी इंसान हैं, हम भी आम आदमी की तरह है, हर चीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन नज़रिया बदल गया, इसलिए हमको ये कैमराज तो अभी बहुत ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे लिए अच्छा हो गया। इन कैमरों से घबराहट होती है। संजू देखिए, आपने क्या कहोगे संजू के बारे में? आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म। रणबीर, परेश जी, मनीषा, योर आई मीन आई थिंक द एंटायर विकी, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दिस इंडस्ट्री हैज़ बिटवीन रणबीर एंड विकी। एंड वही मैं आहान से कह रहा था कि अगर टैलेंट देखना है तो देख लो एंड सी वॉट यू आर गोइंग टू बी नॉट पिटेड अगेंस्ट बट वॉट यू हैव टू कम्पीट विथ। हेल्दी कॉम्पिटिशन मानूंगा मैं। और आहान को पहले देखते ही बाहर निकलती ही मैंने कहा गो एंड सी वन टू ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री इन वन फ्रेम। आई थिंक वेरी वेरी सैड। एंड स्ट्रेंथ, पावर, लव, रिकवरी सोनाली के लिए, आई थिंक हस्बैंड के लिए, उतना ही बेटे के लिए। आई थिंक द एंटायर फैमिली नीड्स दैट स्ट्रेंथ। और ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ आई थिंक अगर आप स्ट्रांग रहोगे और फैमिली का साथ रहेगा तो हम इससे निकल भी सकते हैं। वैसे ही इरफान भाई इज फाइटिंग दिस एंड फाइटिंग इट ब्यूटिफुली। एंड आई प्रे टू गॉड कि वो इन तकलीफ़ों से, दोनों इन तकलीफ़ों से दूर हो। Regarding this court, like, what's your message to the viewers? Like, यहीं कि बच्चों को बाहर निकल के स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑफ रोडिंग हो, साइकिलिंग हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कहीं ना कहीं एक आउटडोर स्पोर्ट्स, खास करके बच्चों को पेरेंट्स शुड यू नो ट्राई टू एनकरेज देम। और ना ही सिर्फ करिकुलम, क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर तक रह जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम बच्चे सामान नहीं है जो हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। बच्चे वो हमारे ही छोटा सा एक हिस्सा है जिसे हमें अनफोल्ड करना चाहिए। आपको जो करना है बेटा जाके करो। तो यू हैव टू एनकरेज पीपल टू गेट आउट, एंजॉय द एटमॉस्फेयर, एंजॉय द प्लेस एंड बी रियल मैन एंड वुमेन। थैंक यू।